दो, मैं तो मना करता हूँ। लेकिन आपने तारीफ तो मोदी की करी है, पब्लिक क्या? मैंने वो बात कही है, देखिए मैं झूठ नहीं बोलता, हरिश्चंद्र तो नहीं हूँ। मैंने वो बात कही है जो देश हित की बात है, जो इस समय पे कहनी चाहिए वो बात कही। सीधी सीधी बीजेपी की ना करके गुप्ता जी टेक्निकली फैसला ले लिया। मैं क्यों बीजेपी की करूँ? मैंने तो बात बताई है आपको सारी। मतलब ये कहना चाहते हैं कि राज्य हित में करें। आपने सेंटर में उठापटक सारी देख ली, जितने राज जो प्रॉपर मेजोरिटी से नहीं आए वो चले नहीं, आपने देख लिए सारे, और जिस तरीके से चले वो भी देख लिया। मैं तो इतना ही तो कहता हूँ, मैं कोई हुड्डे के खिलाफ नहीं हूँ, हुड्डे के साथ मेरे अच्छे ताल्लुक, अच्छी बोल चाल है। और मैं ये भी नहीं चाहता था हरियाणा में कैंडिडेट मजबूत ना उतारे कांग्रेस पार्टी, मजबूत कैंडिडेट उतारने चाहिए। एक कैंडिडेट मेरी नज़र में कमजोर था, वो मुझे ऐसा लगा जैसे हुड्डा साहब ने खट्टर साहब ने बैठ के कैंडिडेट तय कराओ। उसका मैंने कहा था, मतलब ये तो तुमने बैठ के ही कराओ, एक मेमना दे दिया खट्टर साहब के पास। तो मैं चाहता था हर जगह, ताकि किसी के लिए केक वाक ना हो, उसको ये लगे इतने तेरी कमाई हुई चीज खाई है तने, ऐवे नहीं खाया अल्लू गल्लू सौदा। सर ये कह सकते हैं कि राष्ट्र हित में मतदान करने की अपील कर रहे हैं? मैं तो ये कहता हूँ भाई, ये इलेक्शन देश का है जी। मेरा कहने का मतलब ये, जिस तरीके से लड़ा जा रहा है वो तरीका मुझे पसंद नहीं है। ये स्टेट का इलेक्शन है ही नहीं जी। ये इलेक्शन तो सीधा सीधा है, वेदर यू वांट ए स्टेबल प्राइम मिनिस्टर और ए ब्लडी अननोन प्राइम मिनिस्टर, इसको जानते ही नहीं कौन बनेगा, कैसे बनेगा, कितने दिन चलेगा। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। एक सवाल नहीं बीच करो कि आपने अभी कहा कि मेरे को ना बड़ा दुख है, इस्तीफा देना चाहिए था किसानों के लिए, दे नहीं पाए, आपने कहा जी। तो जो अभी मोदी की तारीफ करी आपने जी, तो सवा साल किसान बैठे, तो ये मोदी की उपलब्धि है या क्या है? देखिए किसान के बारे में, किसान मूवमेंट के बारे में, हालांकि मैंने तो हर जगह सपोर्ट किया, हर सेशन में सपोर्ट किया, और कोई प्रेस वाला है उस पर भी सपोर्ट किया। लेकिन ऐसा है, पॉलिटिक्स भी होती है बहुत बहुत बातों में, ये तो कोई बात नहीं, पता नहीं क्या क्या खेल चलते हैं राजनीति। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ही राजनीति करे, बाकी पार्टियों के लिए राजनीति नहीं। और दूसरा सवाल है कि कांग्रेस बार बार ये बात कह रही है कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात कही थी मोदी जी ने, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, वो देश हित से ऊपर है या नीचे? देखिए मैं एक बात भूल गया था, आपने याद करा दी, NRC और CAA केजरीवाल ने विरोध किया, और भी अनेक नेताओं ने, शिंदे के नेताओं ने विरोध किया। CAA क्या है? जो लोग सताए हुए पाकिस्तान से, माइनॉरिटीज के लोग अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से निकाले गए बेचारे, जान बचा के भागे, अपनी इज्जत लुटवा के भागे, इज्जत बचा के भागे, उनको नागरिकता की बात थी सिर्फ, उसका भी विरोध किया केजरीवाल ने और अनेक नेताओं ने। और दूसरा NRC था, उसमें 71 के बाद के जो आए रोहिंग्या, वो क्या थे वो, उनके बाद उनकी भी वकालत की, इनको बसाओ, वो तो कहीं माइनॉरिटी में नहीं थे, कोई परेशान नहीं थे, कुछ नहीं था, वो तो उसी धर्म के थे। तो वो उसका भी जिन लोगों ने पक्ष किया, इनका विरोध किया, केजरीवाल ने तो बड़ा गरूर में आके ये कहा था, उस वक्त मुझे याद आ गया, इस तरह से तो आप अगर ये नागरिकता दे दोगे तो 2 करोड़ वो जो पाकिस्तान में बैठे हिंदू और आ जाएंगे, वो तो अर्थव्यवस्था फैलाएंगे, रोहिंग्या तो नहीं फैला रहा अर्थव्यवस्था, उसका नुकसान कर रहा। अब आप जो कह रहे हो, अब आप दोबारा रिपीट करो, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर।
आपको लगता है कि 400 रुपए का गैस सिलेंडर मिलता था जी, 70 रुपए का पेट्रोल मिलता था, आज दोनों ही डबल है। और भी काफी कुछ चीजें थी, मतलब राष्ट्रीय हित को देखिए ऐसा है, इन सवालों का जो आप तो किसी बीजेपी वाले से पूछोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि मैं किसी का स्पोक्समैन बनना नहीं चाहता, मेरे पास हर चीज का नहीं। आप तारीफ बीजेपी तारीफ तो इसलिए कर रहा हूँ कि समय की मांग है इस वक्त, जितनी बातें लेकिन मैं किसी अपने आदमी को, एक आदमी को भी टेलीफोन नहीं करूंगा, कोई पूछेगा जी कहाँ वोट दूं, यूं कहूंगा तेरी समझ से वोट दे, मैंने जो बात अपनी कहनी थी कह दी। चलो एक सारी प्रॉब्लम है, महंगाई की प्रॉब्लम है, आप सही कह रहे हो, बेरोजगारी की प्रॉब्लम है, पहले भी थी आज भी है आगे भी रहेगी, जब तक हम पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेंगे ना तो महंगाई कम होगी ना बेरोजगार कम होगा, कोई कम नहीं कर सकता। सर वो एक पीछे वाला बीच में रह गया अच्छे से बोलो, वो किसानों वाला कह रहे राजनीति मोदी कर रहे हैं, ऐसा है सुनिए, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, ऐसा है मैंने मोदी जी को कई बार कहा, आपका जहां तक बजट इजाजत देता है आप किसानों की हर बात को मानो, जहां तक आपका बजट इजाजत देता है, ये भी कहा कि किसान ही हैं जो देश के रखवाले हैं, जिनके बच्चे सर पे लड़ाई करते हैं, जिसकी वजह से हम सुख की नींद सोते हैं, ये किसान ही हैं जो हमारा पेट भरते हैं सारे देश का, हमेशा तारीफ की आज भी करता हूँ, किसान के मामले में कहीं कंप्रोमाइज नहीं करता, उनके पक्ष में बोलता हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स भी अपना रोल अदा करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।